वायलेंस तो पूरे बंगाल में और 7 जिले में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कल कलकत्ता में जो पार्टी बीच में मिले थे, जो 400 के आसपास हमारे कार्यकर्ता घर नहीं जा पा रहे, और आज ईद के दिन है हमारे संखालुकू भाई हमारे पार्टी ऑफिस के साथ जो हमारे व्यवस्था रखा हुआ है कलकत्ता सिटी में, वहाँ ठहरे हुए हैं। आज ईद के दिन में अपने घर में नहीं जा पा रहे, ये आपका ये राज्य का हालत है। देखो प्रशासन कतटा सहयोगिता करबे ना करबे सेटा तो विगत ओनार शासनकाल थेके चले आसछे, ये नतून नय। तारपरे तो बीजेपी एखाने राजनीतिओ करछे, कार्यकर्ता रयेछे, और एटाई शेष नय, अंत नय। दादा क्या लगता है दौरा कंप्लीट कर पाएंगे? जिस तरह से हर जगह पे रोका जाता है, गवर्नर को हाउस में भी शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था, क्या लगता है दौरा कंप्लीट कर पाएंगे? शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था, हाईकोर्ट ने उसके बाद नेक्स्ट डे उनको जाने दिया ना। इसलिए भारत के गणतंत्र के 4 स्तंभ है, एक स्तंभ को आप रोक सकते, बाकी को क्या करेंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से ममता जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने को सुधार लीजिए। इस तरीके से भारत में राजनीति नहीं किया जा सकता है। सत्ता में तो कम्युनिस्ट लोग भी 34 साल रहे हैं, इन्होंने तो कम्युनिस्ट को आंदोलन करके हटाया था। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, 34 साल कम्युनिस्ट सत्ता में रहने के बाद भी यहां से उखाड़ के फेंक दिया गया है। ममता बनर्जी क्या चीज है, क्या तृणमूल का कैडर है, ये सब उखाड़ के फेंक देंगे। अभी हम पार्टी कार्यालय में कुछ बिहार में जाएंगे, और उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता के साथ जिन जिनको पर अत्याचार हो रहा है, जो जो लोग प्रभावित है, इनसे मिलेंगे और इनके साथ देंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता का रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी ने हम लोग भेजा, हम यहाँ से जाके वो रिपोर्ट नड्डा जी के सामने।